हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वन प्लस 7T डिवाइस के ऑक्सीजन OS 11 अपडेट के बारे में। इस अपडेट में आपको क्या कुछ खास देखने को मिल जाता है और क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन OS 11 की काफ़ी ज़्यादा विस्तार से बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन 11 देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेच लेवल 1 नवंबर 2020 का देखने को जाता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 दिसंबर का अवेलेबल देखने को मिल जाता है। इसी के साथ सेटिंग में फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको वाईफाई एंड नेटवर्क के अंदर कोई भी नया फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। ब्लूटूथ एंड डिवाइस कनेक्शन के अंदर भी कोई नया फीचर नहीं आया है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको अब एक फोल्डर देखने को जाता है एडवांस नाम से। इसी के अंदर ये चारों चीज़ें अंडरग्राउंड कर दी गई हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हैं कुछ यहीं से। परंतु मैं आपको बता दूं, अब जो वन प्लस 7T डिवाइस के डिस्प्ले के कलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा येलो कर दिए गए हैं, ब्राइट कलर देखने को नहीं मिलते हैं। ये यहाँ पर एक इशू देखने को मिल रहा है डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर के। साथ में नाइट मोड का जो फीचर था उसका यहाँ पर नाम चेंज कर दिया है, विजन कंफर्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। रीडिंग मोड पहले की तरह ही देखने को मिल जाता है। डार्क मोड का नया फीचर इन्होंने अवेलेबल किया है। इसमें आपको मैनुअल मोड, साथ में आपको ऑटोमेटिकली इनेबल फ्रॉम सनसेट टू सनराइज का मोड देखने को जाता है। कस्टम टाइम रेंज देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को जाती हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर हॉरिजन लाइट का नया ऑप्शन अब आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको चार तरह की ओरिजिन लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप इनका यूज कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आने पर आपकी ब्लिंक करेंगी साइड पर, और अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो ये सभी ऑप्शन अब आपके ऑफ हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। कस्टमाइजेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर कैनवास मोड देखने को जाता है, जिसमें आप कुछ फोटोज का सेटअप कर सकते हैं, तो वो फोटोज़ आपकी यहाँ पर कैनवास के तौर पर सेटअप हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले प्रीव्यू पर टैप करना होगा, उसके बाद ये एनालिसिस करेगा और यहाँ पर उस फोटो को आपके कुछ इस तरीके से कैनवास बोर्ड में बदल देगा, जो कि एक ड्रॉ फाइल होती है, आपकी एक ड्रॉ इमेज तैयार कर देता है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल फील कराती है। तो ये आपको कुछ इस तरीके की ड्रॉ इमेज देखने को मिल जाती है। वॉलपेपर की बात करूँ तो पहले की तरह ही वॉलपेपर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 11 न्यू क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आपको पहले ही काफ़ी कुछ मिल गए थे, परंतु इन साइट का नया ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ये बिल्कुल ही ऑक्सीजन OS 11 का हाईलाइट फीचर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको एम्बिएंट स्क्रीन पर आता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आपको शो कराता है। तो ये आपके लिए खास फीचर्स बन जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपने डिवाइस को कितनी बार अनलॉक किया। तो ये कुछ हल्की सी लाइट के साथ में जलता रहता है, परंतु यहाँ पर वन प्लस 7T पर ये ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर सेटिंग में जा करके कुछ और सेटिंग्स मुझे इनेबल करने होंगे इसके लिए। फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करूं तो इस पर एक नया फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऐड किया गया है एनर्जी नाम का, जो कि कुछ इस तरीके का आपको इफेक्ट देगा। तो ये कुछ अब आपको यहाँ पर चार एनिमेशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। साथ में हॉरिजन लाइट को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंदर आप एसेंट कलर को चेंजअप कर सकते हैं, जो भी कलर्स आप यहाँ से चूज करना चाहें, या फिर आप इसके कस्टमाइजेशन पर टैप करके कलर कोड कर सकते हैं। सिस्टम आइकन यहाँ से आप चेंज करने का ऑप्शन देखने को जाता है। आइकन पैक इस जगह से आपको चेंज करने के ऑप्शन मिलते हैं। फॉन्ट यहाँ से आप चेंज अप कर सकते हैं। इसी के साथ साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करूं, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलती है। फॉन रिंगटोन के अंदर अलग अलग चूज करने के ऑप्शन मिल जाते हैं रिंगटोन्स के, तो ये चीज़ शायद आपको पहले भी अवेलेबल हो गई थी। बटन एंड गेस्चर के अंदर आपको कोई भी नया फीचर्स अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। साथ में ऐप एंड नोटिफिकेशन की UI थोड़ी सी अब चेंजेस कर दी गई है। ये कुछ इस तरीके से साइट पर देखने को मिलती है। अंदर की UI बिल्कुल ही पहले की तरह अवेलेबल देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाटा माइग्रेशन रिकॉर्ड का। ये फीचर्स कैसे काम करता है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। प्राइवेसी आपको थोड़ी सी चेंजेबल देखने को मिल जाती है, पहले से ज़्यादा प्राइवेसी बढ़ाई गई है, तो ये आपको गूगल की तरफ से देखने को मिलती हैं। इनके आपको क्या यूज हैं वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसके बाद में यूज कर सकते हैं। लोकेशन के अंदर भी कुछ सेटिंग्स यहाँ पर मैनेज की गई हैं, जो कि गूगल के द्वारा की गई हैं, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन चेंज हुआ है। इस कारण से
बैटरी के अंदर आपको नियर बाय चार्जिंग स्टेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि वन प्लस के द्वारा कुछ ही खास जगहों पर अभी फिलहाल में अवेलेबल कराई गई है, जहां पर आप अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो। यूटिलिटी के अंदर आपको कोई भी नया ऑप्शन अवेलेबल देखने को नहीं मिला है। वन प्लस नॉट से वन प्लस लेबोरेटरी को हटा दिया गया है, परंतु इसमें आपको वन प्लस लेबोरेटरी के साथ में डीसी डिमिंग का फीचर्स अवेलेबल देखने को मिल जाता है। इसी के साथ सिस्टम के अंदर बात करूँ लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर आपको एक नया ऑप्शन को जाता है कीबोर्ड हाइट एडजस्टमेंट का, जो कि आपको OnePlus 8 सीरीज पर अवेलेबल देखने को मिलता है फिलहाल में, जिसके कारण से OnePlus 8T डिवाइस तो पूरा का पूरा हैंग हो गया था। तो ऐसा कुछ उसको अपडेट आया था, तो वही अपडेट का फीचर इसको भी आ गया है। इस अपडेट में आपको ये चीज अवेलेबल देखने को जाती है, राइज करना चाहते हैं या फिर आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो हाइड करने का कीबोर्ड को, वो आपको यहाँ पर हाइड नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा अगर आप इस फीचर्स का यूज कर लेते हैं। डेवलपर ऑप्शन की बात करूं तो इसके अंदर काफ़ी कुछ नए फीचर्स अवेलेबल हुए हैं। फिलहाल में मैं सभी फीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। एक नया फीचर्स आपको देखने को जाता है शो रिफ्रेश रेट का, जो कि एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ में आता है। यहाँ पर अब आपका डिवाइस शो करेगा क्या रिफ्रेश रेट उसका रियल टाइम पर है। तो ये आप कुछ इस तरीके से इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं डेवलपर ऑप्शन में जाकर के। रैम बूस्ट आपको पहले की तरह ही देखने को मिला था, परंतु इसका एनिमेशन चेंज कर दिया गया है। पावर ऑफ करने का एक नया ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो गया है, जो कि मैंने वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में आपको दिखाया था कि उसमें देखने को मिल जाता है, परंतु वन प्लस 70 में नहीं, परंतु अब वो फीचर यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अगर आपकी पावर की वर्क नहीं कर रही है तो इस जगह से आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर सकते हैं। ऑन कैसे करेंगे उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ से शेड्यूल सेटअप कर सकते हैं कुछ टाइम बाद का, उसके द्वारा आपका डिवाइस ऑन भी हो जाएगा यहाँ पर, अगर आपकी पावर की वर्क नहीं कर रही है तो आप इस तरीके से ये काम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल देखने को जाती है। साथ में टिप एंड सपोर्ट्स के अंदर ऑक्सीजन OS 11 वाली जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड गाइड यहाँ पर ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ आगे मैं बात करूँ एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार इसका बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपका डिवाइस साइलेंट पर है या फिर वाइब्रेशन पर, वो यहाँ पर शो अप करता है। अगर आपका रिंग पर है तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। और इसी के साथ डेटा यूजेज यहाँ पर शो करता है। साथ में डार्क मोड का आपको क्विक टॉगल यहाँ से आप निकाल सकते हैं अगर आपको ऊपर देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ आपको अब क्विक सेटिंग में अवेलेबल हो जाती है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हैं तो म्यूजिक की UI भी अब आपको यहाँ पर चेंज के साथ में आती है। कुछ इस तरीके से इस पर टैप करके आप यहाँ से स्पीकर वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं, किस पर आप प्रेफर कर रहे हैं सुनना। इसी के साथ कॉलिंग एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर कॉलर एप्लीकेशन आपको ये कुछ इस तरीके की UI के साथ में देखने को मिल जाता है। इसमें अगर मैं डायलर एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर डायल करते हैं, नीचे की तरफ आपको ऑडियो कॉल साथ में वीडियो कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी के साथ इस पर टैप करके आप ऐड टू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर सेंड मैसेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इस पर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ से आपकी कॉल डायरेक्ट कनेक्ट होने का UI आ जाता है। इसकी UI भी काफ़ी कुछ चेंजेस के साथ में अवेलेबल हो जाती है। इसमें आपका प्यारा दुलारा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाता है। साथ में इस पर अगर आप टैप कर देते हैं, साइड में आपका जो कॉन्टैक्ट आइकन है उसके द्वारा आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने कब कब कॉल की है। तो ये सारी कॉलिंग की हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर टैप करके हिस्ट्री को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आप डिलीट करना चाहें। वीडियो कॉल का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। इधर से आप अगर टैप करें तो ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। इसकी सेटिंग्स की बात करूँ तो कॉन्टैक्ट मैनेजर पर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप जो कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग पर चले जाएंगे। साथ में अगर इस पर टैप करते हुए सेटिंग पर टैप करेंगे तो आप इस फोन एप्लीकेशन की सेटिंग पर आ जाएंगे। इसमें आपको सेटिंग्स में कोई भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। सारी सेटिंग्स आपको पहले की तरह ही अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। कॉल अगर आती है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है।
कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका वर्जन आपको 4.0.0 देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पहले की तरह ही सेटिंग्स के साथ में आता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, बस इसमें थोड़ा सा आपको यूआई कस्टमाइजेबल देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल ही नया है ऑक्सीजन ओएस 11 की तरह। साथ में मैसेज एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैसेज एप्लीकेशन का वर्जन आपको 6.0.04 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हाईलाइट मैसेज क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इसकी सेटिंग्स में अगर मैं टैप करूं तो यहां से ये कुछ ऑप्शंस आपको पहले की तरह ही देखने को मिल जाते हैं। इस पर टैप करने पर आपको यहां पर दो ऑप्शन नए देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्विक डिलीट का और इसी के साथ में रिच मीडिया रेंडरिंग फ्रॉम मैसेज का। तो यहां से आपके द्वारा लिंक जो भी आएगी या फिर कोई कूपन होगा जो कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये फीचर्स अवेलेबल करा दिया गया है और कुछ भी यहां पर नया चीज़ देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ मैसेज को अगर मैं कोई क्रिएट करता हूँ तो इसके अंदर भी मुझे किसी भी तरीके का शेड्यूल मैसेज या फिर ऐसा कुछ फीचर्स अवेलेबल देखने को नहीं मिला है। बाकी के वही फीचर्स अवेलेबल हैं, बस उनकी यूआई में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। कैलकुलेटर एप्लीकेशन की बात करूं तो इसमें आप स्वाइप डाउन करके हिस्ट्री को इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस पर टैप करके आप कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर को निकाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप ये ट्रिक शायद ना जानते हो तो ये आप जान सकते हैं। क्लॉक एप्लीकेशन की बात करूँ तो क्लॉक एप्लीकेशन की यूआई कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर दी गई है, जो कि यहाँ पर काफ़ी कुछ इनहेंस के साथ में नई डिजाइन की देखने को मिल जाती है। इसमें अगर आप अलार्म का सेटअप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस अवेलेबल हो जाता है। गैलरी एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसका वर्जन आपको 4.0.113 देखने को मिल जाता है। इसमें कुछ इस तरीके से फोटोज आप देख सकते हैं, साथ में बीच में आपको एक कलेक्शन नाम का ऑप्शन देखने को जाता है जिसमें आपके फोल्डर वाइज फोटोज होंगे, और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने पर आपको रिसेंटली डिलीट का ऑप्शन देखने को जाता है, हिडन कलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को जाते हैं। सेटिंग पर टैप करते हुए ये कुछ सेटिंग्स आपको इसकी अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि आप काफ़ी टाइम से दिखते आ रहे हैं। एक्सप्लोरर पर टैप करते हुए आपको ये कुछ ऑप्शन देखने को जाते हैं। यहाँ पर आप स्टोरी टाइप जो भी होंगी आपकी फोटोज वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसके लिए आपको नया कलेक्शन ऐड करना होगा और वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। कैमरा एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको सामने से तो यूआई बिल्कुल ही पहले की तरह ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस देखने को आपको नहीं लग रहा होगा, परंतु आप छोटा सा चेंजेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको गूगल लेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ में इस कैमरा एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन 6.4.8 देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप गैलरी पर टैप करें तो ऊपर की तरफ आपको ये कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही वन प्लस नॉट की तरह अवेलेबल हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर टैप करते हुए इसके आप फ्रेम रेट को चेंज कर सकते हैं, इस पर टैप करते हुए आप इसकी क्वालिटी को चेंज अप कर सकते हैं। इसी के साथ सेटिंग पर टैप करके आपको स्मार्ट सेंस रिकॉग्निशन का नया ऑप्शन अवेलेबल देखने को जाता है। बाकी की सेटिंग्स आपको पहले की तरह ही देखने को मिल जाती हैं, परंतु आपको लॉन्ग प्रेस शटर का ऑप्शन एक दो ऑप्शनों के साथ में आया हुआ नया देखने को मिल जाता है। इसी के साथ स्लो मोशन में आपको पहले की तरह ही FPS चेंज करने के ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। पैनोरामा मोड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। टाइम लैप्स के अंदर आपको कोई भी 5 गुना, 10 गुना, 120 गुना, 480 गुना, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है। तो ये कुछ चेंजेस के साथ में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ट्राइपोड का ऑप्शन आपको नाइटस्केप मोड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप ट्राइपोड के द्वारा फोटो अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्राइपोड मोड पर इसको आप चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो मोड में आपको किसी भी तरीके का लाइव बुके मोड देखने को नहीं मिला है, ऐसा कोई भी फीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ है। साथ में अगर आप फ्रंट कैमरा से फोटो शूट करते हैं तो आपको सभी ऑप्शन अवेलेबल देखने को जाते हैं। वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऊपर की तरफ चेंज करने का नहीं आता है, इसमें आप कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकें। तो ये आपको फिलहाल में एक बग देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल में कैमरा में एप्लीकेशन में कुछ यही कुछ चेंजेस के साथ में ये 6.4.8 का वर्जन आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है। गेमिंग टूल्स की बात करूँ तो इसकी यूआई कुछ इस तरीके से आपको अवेलेबल देखने को जाती है। इसका वर्जन 2.5.1 देखने को जाता है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे गेम्स कुछ इस तरीके से और वीडियोज देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन ओएस 11 का एक नया वर्जन है। इसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ से आप अपना वन प्लस अकाउंट साइन इन कर सकते हैं।
साथ में इसमें जो ऑप्शन आया था आपके लिए खास गेमिंग टूल्स का, इसके अंदर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको पहले देखने को जाता था, परंतु अब आपको टेलीग्राम का भी अवेलेबल हो गया है। वन प्लस के नोट्स एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पर अंडू और रीडू का ऑप्शन मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि आए, परंतु फिलहाल में अभी भी अवेलेबल देखने को नहीं मिलता है और इसका वर्जन 4.0.0 ही देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जैन मोड का फीचर्स इसमें काफ़ी कुछ चीज़ों के साथ में आता है। जैन मोड में आपको अब 1 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक के ऑप्शन देखने को जाते हैं। इसमें आप जो भी सेटअप करना चाहें वो सेटअप कर सकते हैं। आप सेटअप के दौरान एक बार आपने अगर सेटअप कर दिया दोबारा आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ बता देता है ये। और इसके बाद में आपके पास जो भी कॉल्स आएंगी वो केवल आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, आप कॉल किसी को कर नहीं सकते हैं, ना ही आप कुछ और कर सकते हैं। केवल आप यहाँ पर फ़ोटो आप क्लिक कर सकते हैं और उन फ़ोटो को देख भी नहीं सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पर वर्क करती है। आपको इसमें कुछ साउंड के मोड भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके के आपको इसमें 5 थीम्स भी अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। होम लॉन्चर की बात करूँ इसके, तो आपको अब राइट साइड से कुछ इस तरीके से गूगल का फीड देखने को मिल जाता है। अगर आप इस जगह पर वन प्लस की सेल्फ चाहते हैं तो इस तरीके से आपको पिच करना होगा, होम सेटिंग पर जाना होगा और उसके बाद लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन पर आपको टैप करते हुए सेल्फ पर टैप कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपकी यहाँ पर वन प्लस सेल्फ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये कुछ इसका नया वर्जन देखने को जाता है लॉन्चर का 5.0.2.2। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक नया ऑप्शन जो कि मैंने आपको बहुत समय पहले बताया था कि आपको देखने को मिल सकता है, वो फीचर्स ऑक्सीजन ओएस 11 पर जाकर के मिला है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप सब कुछ अपना सेटअप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको होम स्क्रीन या फिर आपको कुछ इस तरीके से ऐप ड्रॉयर में जाना ही पड़े। साथ में लास्ट पॉइंट आपको बताऊं, पावर की के ऑप्शन अब आपको कुछ इस तरीके से अवेलेबल देखने को जाते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ ऑप्शन अभी भी मिसिंग हैं जो कि आने वाले दिनों में अपडेट हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ आपको इसमें अपडेट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी कुछ खास अपडेट देखने को जाता है। अगर आप फिंगरप्रिंट आइकन पर कोई भी सेटअप नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये पहले ग्रीन कलर का आता था, अब वाइट आता है, तो ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसको यहाँ पर पहले की तरह ही ग्रीन या पर कोई और कलर का करना चाहिए। तो ये कुछ आपको लॉक स्क्रीन का लेआउट भी देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ ऑक्सीजन ओएस 11 का अगर मैं गीक बेंचमार्क स्कोर दिखाऊं तो यहाँ पर सिंगल कोर पर 733 देखने को मिलता है, मल्टी कोर पर 2511 देखने को मिल जाता है। इससे पहले ऑक्सीजन ओएस 10 पर मुझे देखने को मिला था 777 सिंगल कोर पर, 2846 मल्टी कोर पर। तो ये कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको गीक बेंचमार्क स्कोर का भी देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन ओएस 11 फिलहाल में उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है इतना कि ऑक्सीजन ओएस 10 हो गया था। तो फिलहाल में आने वाले दिनों में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो, काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा हो। तो उम्मीद करता हूँ आज की यह मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।